इंदौर में पानी की समस्या से परेशान होकर दर्जनों कॉलोनियों की महिलाएं एक साथ सड़क पर उतरी। साथ ही पल्लव नगर जोन में सारी महिलाओं ने मिलकर हल्ला बोला। कांग्रेसी नेताओं ने सोमवार को पल्लव नगर जोन पर जल संकट की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन और घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं पल्लव नगर जोन पर पहुंची थीं। महिलाओं का आरोप था कि स्थानीय भाजपा पार्षद सुनवाई नहीं करते। मौके पर निगम के अपर आयुक्त संदीप सोनी ने महिलाओं को आश्वासन देकर उनका गुस्सा शांत करवाया। पूर्णता ये प्रदर्शन सबसे पहले तो हम लोगों ने भेदभाव के लिए किया है। जिस तरह से हम लोग राइटिंग में, लिखित में बलराम वर्मा जी से और कमिश्नर से, आयुक्त से और महापौर से पानी के टैंकर की मांग कर रहे थे, मुझे मात्र और मात्र मेरे वार्ड में, जो कि मेरी पत्नी पार्षद अभी प्रदर्शन में बैठी, इसलिए आप लोगों के मैं अपना वाइट देने आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ। एक टैंकर नगर निगम ने हमको मुहैया कराया और उसी के सामने देखा जाए तो विधायक सुदर्शन गुप्ता को नो टैंकर मेरे पानी में वार्ड के नो टैंकर दिए गए। तो ये चुनावी साल है, तो क्या आज ही सुदर्शन गुप्ता को ये लोग चुनाव जिता लेंगे या इस तरीके के कृत्य ये लोग करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद है और नो टैंकर एक वार्ड में देंगे और जीते हुए इलेक्टेड पार्षद को ये एक भी टैंकर पानी का देंगे सिर्फ, कि एक ही टैंकर चलाएगा वो, ये कहां का अन्याय है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में पानी की समस्या से परेशान रहवासियों के मामले में कांग्रेसी पहले भी मैदान संभाल चुके हैं। अब कांग्रेसियों ने चेतावनी दे डाली है और प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री ने किया, जो कि विधानसभा एक के कांग्रेस की ओर से दावेदारी भी कर रहे हैं। प्रदर्शन के बाद निगम प्रशासन ने आश्वासन दिया कि टैंकरों के माध्यम से सभी को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। निगम द्वारा हर वार्ड में टैंकरों और नर्मदा के जरिए पानी वितरित किया जा रहा है। जहां समस्या है उसे जल्द हल करने की बात कही है। समस्या पिछले 20 दिन से सतत जारी है। मैं लिखित में 3-3 बार दे चुका हूं, बलराम वर्मा जी को बता चुका हूं, आयुक्त महोदय को बता चुका हूं, महापौर साहब से जाकर मिल चुके हैं, उसके बाद भी इस समस्या का हल नहीं हो रहा। जब तक कोई वरिष्ठ अधिकारी आके हम लोगों को टैंकर देके और जो सिरपुर हाइड्रेंट सूख चुका है वहां 2 बोरिंग नए हो जहां से हम लोग पानी भरते हैं, जब तक वो सारी व्यवस्था नहीं करेंगे जब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पानी, क्योंकि गर्मी में पानी की थोड़ी कमी है, उसी को दूर करने के लिए हम लोग पूरे शहर में लगभग हमारे 70 सरकारी टैंकर चल रहे हैं और 260 हमने प्राइवेट टैंकर लिए और हर वार्ड में लगभग 3-4 हमें टैंकर दिए जिससे कि पानी की सप्लाई लगातार होती रहे। सो प्राइमरी देखा जाए तो पानी की सप्लाई में कोई इशू नहीं है, लेकिन चूंकि कुछ हाइड्रेंट सूख रहे हैं और हम भी जानते हैं कि पानी का जल स्तर इंदौर में लगातार गिर रहा है, तो यदि पानी का हाइड्रेंट कोई सूख रहे हैं तो हम उसको लगातार दूसरे प्राइवेट बोरिंग भी अधिग्रहण कर रहे हैं, जहाँ से हमें जैसे पता चलता है उसको हम इमीडिएटली कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर जैसे कुछ लोगों ने बताया है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी 4 टैंकर इस वार्ड में दिए हैं और दूसरे जगह के भी 4-5 टैंकर हैं पानी की सप्लाई कर रहे हैं, फिर भी लगता है कि नहीं पानी की सप्लाई करने के लिए और टैंकर की आवश्यकता है, तो हमारी टेक्निकल टीम है वो अभी एग्जामिन कर लेगी और यदि लगता है तो हम सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस का मैदान संभालना अब निगम के लिए भी चुनौती बन गया है और जल संकट के दौरान नेताओं की सक्रियता भी जोरदार ढंग से देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।